तो ये है बोट की तरफ से आने वाली स्मार्ट वॉच, और आज हम बताएंगे कि एक स्मार्ट वॉच को आप कैसे स्मार्टली यूज करें। यदि आप वॉच को स्मार्ट यूज नहीं करेंगे तो ये वॉच आपको स्मार्ट होते हुए भी स्मार्ट वॉच का अनुभव नहीं दे पाएगी। तो ऐसे में क्या करना होता है, आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी होती हैं अपने इस वॉच में, चाहे वो वॉच किसी भी कंपनी की हो। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करने के बाद आप अपनी वॉच को स्मार्ट तरीके से यूज कर पाएंगे। तो आज कुछ टिप्स बताएंगे और कुछ ऐसे ऑप्शन बताएंगे जिनके जरिए आप इस वॉच को बहुत ही स्मार्टली यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले टिप्स, ये जो वॉच होती है, कोई भी स्मार्ट वॉच हो, उस स्मार्ट वॉच को जो आपका वॉलपेपर होता है सबसे वहीं पर हम शुरू करते हैं, क्योंकि इसको कैसे चेंज करें। आप इसको एप्लीकेशन के जरिए भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ वॉच के अंदर जाके क्या क्या फंक्शन यूज करना चाहिए आपको वो बताने वाले हैं। तो आज हम वॉच के ऊपर अब जब टैप करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इससे आप यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं, और यहीं से आप अपने डायल जो होते हैं, वॉच फेस होते हैं, वो उनको आप यहाँ पे स्मार्टली यूज करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मोर स्मार्ट वॉच के फेस चाहिए होते हैं तो आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इस वॉच फेस को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन के बारे में बात करें तो यदि आप इसको स्वाइप करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स का मिल जाता है, हार्ट रेट का मिल जाता है, और ब्लड ऑक्सीजन मिल जाती है, ब्लड प्रेशर मिल जाता है। तो यहाँ से आप ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन जरूर है, उसको हार्ट रेट मॉनिटरिंग होती है, इसको आपको हमेशा ऑटोमेटिक सेट पर रखना चाहिए। जैसे कि ये वॉच जब भी आप पहन रहे हो, आपकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑटोमेटिकली ये वॉच करती रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए आप इस साइड से इधर को स्वाइप करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, और ये जो हार्ट वाला है इसको आपको ऑन करके रखना है। देखिए अभी हमने ऑफ कर दिया, ऑफ करेंगे तो आपको ये व्हाइट कलर में शो करेगा, और यदि आप इसको ऑन कर देंगे तो ये रेड कलर में शो करने लगेगा, यानी इसका मतलब है ये आप ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये है वेक टू रिस्ट, मतलब आप वॉच को जैसे ही उठाते हैं अपने आप ही वॉच का टाइम है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि अभी वॉच मान लीजिए ऐसे रखी हुई है और हम उठाते हैं, देखिए अभी वॉच नहीं आ रही है, तो इसका जो टाइम है ये वाला हमें ऑप्शन यूज करना होता है, इसका लिफ्ट टू वॉच। तो यदि आप उसको वॉच को बंद कर रखा है और आप सिर्फ ऐसे उठाएंगे तो अपने आप ये वॉच ऑन हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है इसके लिए। उसके बाद ही नीचे वो ऑप्शन आता है, ये है डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे कि आप चाहते हैं आपकी वॉच पर कोई रिमाइंडर नहीं आए, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं जब आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये ऑन होने के बाद आपके पास कोई भी रिमाइंडर है जो फोन से रिमाइंडर सेट करे होते हैं वो आपको शो नहीं होंगे। और अगला ऑप्शन है फाइंड माई फोन, इसको दबा के आप अपने फोन को फाइंड कर सकते हैं, फोन पर रिंग जाती है और फोन को आप ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ कमाल के टिप्स थे, इनको आप जरूर यूज कीजिए अगर आप वॉच स्मार्ट यूज कर रहे हैं तो। और ये सभी सारी वॉच में लगभग आते ही हैं, तो कोई भी वॉच हो ये सारे ऑप्शन आपको हर वॉच में मिल जाते हैं। तो स्मार्ट वॉच को स्मार्ट तरीके से यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।